ओम शांति। आज की तारीख है 25/4/23। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि तुम वंडरफुल रूहानी यात्रा पर हो। बाबा कहते हैं तुम्हारी है बुद्धि की यात्रा। कर्म करते इस यात्रा में कदम आगे बढ़ाते चलो तो पावन बन जाएंगे। प्रश्न है, इस ज्ञान मार्ग में पेचदार तथा महीन बातें कौन सी है जो तुम बच्चे अभी ही सुनते हो? पेचदार माना राजयुक्त गहरी बातें कौन सी हैं जो बाबा से हम अभी सुनते हैं? उत्तर है कि तुम जानते हो हम सभी मेल अथवा फीमेल एक शिव परमात्मा की सजनिया आत्माएं हैं। साजन है एक परम पिता परमात्मा। फिर जिस्म के हिसाब से हम शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां हैं। हमारा उनकी प्रॉपर्टी पर पूरा हक लगता है। हम 21 जन्मों के लिए सदा सुख की प्रॉपर्टी दादे से लेते हैं। ये है पेचदार बातें। गीत बजा, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के प्यारे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर 1, बाप समान शीतल बन, ज्ञान के छींटे मनुष्य पर डाल, अर्थात आत्माओं को भी शीतल बनाने की सेवा करनी है। नंबर 2, दादे की मिल्कियत को याद कर अपार खुशी में रहना है, रूहानी धंधा कर विश्व की बादशाही लेनी है। वरदान मीठे मीठे बाप दादा का कि समीप संबंध और सर्व प्राप्ति द्वारा सहज योगी बनने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि जो बच्चे सदा समीप संबंध में रहते हैं और सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं, उन्हें सहज योग का अनुभव होता है। वे सदा यही अनुभव करते हैं कि मैं हूँ ही बाप का। उन्हें याद दिलाना नहीं पड़ता कि मैं आत्मा हूँ और मैं बाप का बच्चा हूँ, लेकिन सदा इस ही नशे में प्राप्ति स्वरूप स्वयं को अनुभव करते। सदा श्रेष्ठ उमंग उत्साह और खुशी में एक रस रहते। सदा शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहते। इसलिए सर्व सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। स्लोगन है, रूहानी शान में रहने वाले कभी हद के मान शान में नहीं आ सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।